हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बॉयलर में फैन में एक ऐसे चीज़ के बारे से बात करेंगे जिसमें लगभग लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो आज उसको देख लेते हैं कि जो फैन होते हैं वो एक्सियल फ्लो फैन है कि रेडियल फ्लो फैन है, उसको कैसे पता लगाया जा सकता है, और एक्सियल फ्लो फैन होता क्या है और उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, और रेडियल फ्लो फैन का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, उसके बारे से आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सियल फ्लो फैन मतलब कि आपके जो प्लांट में हम लोग आईडी फैन एफडी फैन जो यूज़ करते हैं वो सारे चीज़ क्या है, रेडियल है कि एक्सियल फ्लो फैन है, उसके बारे से हम लोग चलो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फ़ैन का एक डायग्राम बनाया हूँ। ये क्या है, उसका इम्पेलर कहलाता है और बीच का भाग शाफ्ट कहलाता है। ये जो है एक शाफ्ट रहेगा और ये क्या रहेगा, पूरा इम्पेलर रहेगा। इम्पेलर मतलब कि वेन भी बोला जाता है उसको। और इसकी बाहरी भाग जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, केसिंग कहलाएगा। और एक मोटर के थ्रू उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो हम लोग अगर एक्सियल फ्लो फैन की बात करें तो एक्सियल फ्लो फैन क्या करेगा, चलिए देख लेते हैं। इस शाफ्ट के सेंटर से मान के चलो कि ये एक्सिस है इसका, तो ये शाफ्ट का एक्सिस क्या होगा, ये एक्सिस होगा। जब भी हम लोग आईडी फैन को लगाते हैं तो क्या होता है, उसका जो फ्लो गैस है वो हमेशा सेंटर से इंटर करता है। सेंटर से इंटर मतलब कि जो एक्सिस है, रोटर का एक्सिस है, वहाँ से वो क्या करता है, इंटर करता है। मतलब यहाँ से क्या करेगा, वो एक्सिस से इंटर करेगा और या तो वो सीधा फ्लो होगा या तो वो ऊपर या नीचे कहीं भी उसको फ्लो कराएगा, है ना। तो हम लोग अगर रेडियल फ्लो की बात करें तो रेडियल फ्लो जो रहेगा वो कैसे काम करेगा, देखो रेडियल फ्लो फैन में जो सक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, शाफ्ट के एक्सिस की ओर जाएगा। मतलब जो भी फ्लो गैस है वो शाफ्ट के एक्सिस की ओर से इंटर करेगा, सेंटर से। ठीक है, सेंटर की ओर से क्या करेगा, इंटर करेगा। और यदि इस एयर को वो घुमा के क्या कर दें, इस डायरेक्शन में उसको भेज दें नीचे की ओर, या फिर यहाँ से लेके वो ऊपर की ओर फेंक दें। ठीक है, तो क्या होगा, जब इसका डायरेक्शन को चेंज करके वो 90 डिग्री में क्या कर दे रहा है, चेंज करके उसको बाहर फ्लो दे रहा है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, रेडियल फ्लो फैन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। रेडियल फ्लो कैसे होगा, जब उसका फ्लो गैस का इंटर क्या हो, एक्सिस के सीध में हो या फिर इम्पेलर के सेंटर से हो, और वो क्या करे, उस फ्लो गैस को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में या फिर 90 डिग्री में क्या कर दे, उसको ट्रांसमिट कर दे या डिलीवर कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल फ्लो फैन कहलाएगा। और एक्सियल फ्लो फैन क्या होगा, एक्सियल फ्लो फैन ये जो डायरेक्शन है इसको चेंज नहीं करेगा, डायरेक्ट जो शाफ्ट के सेंटर से आ रहा है उसी में ही आगे जाने देगा, और आगे जाने देने के बाद में इसको क्या कर देगा, इधर से ही पीछे से ही उसको डायरेक्ट, मतलब कि यहाँ से सीधा सीधा फ्लो गैस एंटर किया और शाफ्ट में टकराया, उसके बाद में पीछे ही उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। मतलब कि फ्लो गैस के डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सियल फ्लो फैन। और रेडियल फ्लो फैन क्या कहलाएगा, फ्लो गैस के डायरेक्शन को क्या कर दे, वो चेंज कर दे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियल फ्लो फैन कहलाएगा। जनरली जो एक्सियल फ्लो फैन होता है वो हम लोग पावर प्लांट में ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पावर प्लांट में ज़्यादातर जो आईडी फैन एफडी फैन जो यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, एक्सियल फ्लो फैन होता है। और रेडियल फ्लो फैन होता है, और एक्सियल फ्लो फैन क्या होगा, ज़्यादातर इसका उपयोग हम लोग जहाज का जो इम्पेलर होता है क्या रहता है, जहाज के पीछे की ओर लगा रहता है, और वो क्या करेगा, घूमेगा और पानी को यहाँ से एंटर कराता है, और इधर से ही पानी को जोर से फोर्स करके वो क्या करता है, भेज देता है। तो क्या हो जाएगा, वो एक्सिस में उसको भेज रहा है, तो एक्सियल फ्लो हो गया। तो इसका याद रखना, रेडियल फ्लो का पावर प्लांट में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और एक्सियल फ्लो का उपयोग ज़्यादातर कहाँ पर करते हैं हम लोग, शिप वेल्डिंग में, शिप वर्क में किया जाता है। शिप वर्क मतलब जो पानी जहाज वगैरह होते हैं उसमें क्या किया जाता है, पनडुब्बी हो गया, पानी जहाज हो गया, वहाँ पर हम लोग एक्सियल फ्लो फैन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो एक्सियल और रेडियल
फेन में होती हैं उसको अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है। जैसे कि प्रेशर हेड के बारे से अगर बात करें तो जो एक्सियल फ्लो फेन है वो लो प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, लो प्रेशर होता है इस पर, और रेडियल फ्लो फेन का प्रेशर हेड क्या रहता है, हाई प्रेशर जनरेट करता है, हाई हेड प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिफरेंस देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। प्रेशर कौन, एक्सियल फ्लो फेन कम प्रेशर जनरेट करता है जबकि रेडियल फ्लो फेन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और इसको हम लोग चिमनी में, चिमनी थ्रू ऊपर हाइट में क्या करते हैं, भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो जो ज़्यादा प्रेशर देगा वो कम वॉल्यूम खींचेगा, ये चीज़ याद रखना। तो प्रेशर लो है मतलब कि एक्सियल फ्लो फेन का वॉल्यूम क्या होगा, हाई, हाई वॉल्यूम को क्या कर सकता है, वो खींच सकता है, और जो रेडियल फ्लो फेन होता है वो लो वॉल्यूम को खींचता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट, अगर एनर्जी कंजप्शन की बात की जाए तो जो एक्सियल फ्लो फेन है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और ये लो एनर्जी कंजप्शन करता है, ठीक है। मतलब कि इसको चलाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि जो इंडस्ट्रियल आईडी फैन देखे हो 660 किलोवाट का उपयोग करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मोटर होता है, तो ये क्या रहेगा, एनर्जी कंजप्शन के मामला में हाई होता है, मतलब कि हाई एनर्जी कंजप्शन करता है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर नॉइस की बात की जाए, नॉइस की बात की जाए तो जो एक्सियल फ्लो फेन होता है वो हैवी नॉइस करता है, क्योंकि उसके जो शाफ्ट और इंपेलर का डायरेक्शन सेम होने की वजह से क्या कर देता है, नॉइस को बढ़ा देता है, और रेडियल फ्लो फेन क्या करता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा तो नॉइस कम हो जाता है। तो इसलिए नॉइस की बात की जाए तो एक्सियल फ्लो फेन में मोर और इसमें क्या होता है, लेस नॉइस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेंटेनेंस की बात की जाए तो जो रेडियल फ्लो फेन होता है उसका डिज़ाइन क्या रहता है, सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। एक फ़ेन रहेगा, केसिंग रहेगा, और मोटर रहता है, और जस्ट बैरिंग रहता है। लेकिन एक्सियल फ्लो फेन में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है और ज़्यादा डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, इसलिए मेंटेनेंस की अगर बजट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, मोर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट्स और स्लाइडिंग पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि रेडियल फ्लो फेन में कम होता है, तो इसलिए लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अगर साइज की बात की जाए तो ये कॉम्पैक्ट होने की वजह से एक्सियल फ्लो फेन क्या होता है, कम होता है, मतलब कि लेस होता है, लेस साइज होता है, और जो रेडियल फ्लो फेन होता है इंडस्ट्रियल में देखे वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इसलिए ये क्या रहता है, मोर, मोर साइज का होता है। यहाँ पर फिर से आपको एक बार और बता देता हूँ, सारे वीडियो में इसको बोल ही रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। जो भी हम लोग फ़ैन डिज़ाइन करते हैं वो क्या रहेगा, आपको 20% फॉर वॉल्यूम के लिए डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइनिंग के समय में 20% फॉर वॉल्यूम के लिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जब भी हम लोग आईडी फैन का उपयोग करेंगे या एफडी फैन का उपयोग करेंगे तो प्रॉपर हम लोग तो एमसीआर को फॉलो नहीं करते हैं। एमसीआर मतलब कि क्या होता है, मिनिमम कंटिन्यूसली रेटिंग, ठीक है। कंटिन्यूस रेटिंग को हम लोग को क्या करते हैं, कंटिन्यू बना के नहीं रखते हैं। उससे क्या होता है, कई बार फ्यूल ज़्यादा डालना पड़ता है, कई बार कम डालना पड़ता है, वो लोड के वेरिएशन के अनुसार उसको चेंज करते रहना चाहिए। तो क्या होता है, ये वॉल्यूम जो होगा वो 20% उस पर छोड़ दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है उसके डिज़ाइनिंग के लिए, और 44% अलाउंस दिया जाता है फॉर प्रेशर हेड के लिए, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रेशर जनरेट होगा। मान के चलो कि अचानक से आप फ्लू गैस बढ़ा दिए, फ्लू गैस कब बढ़ेगा, जब आप उसको फ्यूल ऐड किए, तो फ्यूल ऐड किए तो उसका प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड को 44% तक क्या किया जाता है, अलाउंस दिया जाता है। और नेक्स्ट है 20% फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20% अलाउंस देते हैं। ये क्या रहेगा, जब भी आपका जो ट्रॉपिक टेम्परेचर होता है, ट्रॉपिक टेम्परेचर मतलब कि -5 से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको मेंटेन किया जाता है। ट्रॉपिक मतलब कि आपके सिस्टम के अंतर जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है उसके वेरिएशन को वो क्या कर सकता है, झेल सकता है। साथ ही साथ में एम्बिएंट एयर टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट,
क्लाइमेट की वजह से जो परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको भी डिज़ाइन किया जाता है कि अगर फ्लो गैस का टेम्परेचर कम भी हो जाए तो वो ज़्यादा कोरोजन या फिर इरोजन ना कर सके। इसीलिए यहाँ पर 20% क्या दिया जाता है, टेम्परेचर पर छूट दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है। और वैसे प्रॉपर मटेरियल का उपयोग करके हम लोग आईडी फैन को बनाते हैं या फिर डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। एंड यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बीओई के अंतर्गत हम लोग बना रहे हैं कि बीओई एग्ज़ाम आपका निकल जाए और बॉयलर सेकेंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए भी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।